यार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका हमारे केस्टडीन्यूज चैनल में। जून में रिलीज होगी शाहरुख खान की दोस्तों जबरदस्त धमाकेदार फिल्म जीरो। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद हर किसी की नज़रें शाहरुख खान की अगली फिल्म की पर टिकी हुई है, जिसके अनाउंसमेंट होने का दर्शक पिछले कई महीनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये सस्पेंस नहीं हुआ है कि शाहरुख खान की अगली फिल्म किस डायरेक्टर के साथ होगी। वैसे उन्होंने तीन बड़े डायरेक्टर के साथ तीन बड़ी फिल्मों का स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है। इसमें एटली राजकुमार हिरानी और राज डी के का नाम शामिल है। बस देखना तो यही कि इनमें से वो कौन डायरेक्टर की फिल्म चुन लेते हैं। वैसे दर्शकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि शाहरुख खान को इसी एक साल एक फिल्म में देखा जाएगा, जिसकी उन्होंने शूटिंग भी पूरी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना है आपने, शाहरुख खान जून महीने में पहले रिलीज होने वाली एक बड़ी फिल्म में नजर आएंगे। वैसे हम बात कर रहे हैं रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट की। एक एक्टर आर माधवन की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व एयरोस्पेस इंजीनियर वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है। फिल्म में इनका रोल आर माधवन निभा रहे हैं। आर माधवन सिर्फ इस फिल्म के एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि वो फिल्म का निर्देशन भी कर रही है। फिल्म के निर्माता भी वही है। इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कैमियो देने वाला है, जिसकी उन्होंने शूटिंग भी पूरी कर ली है। बता दें कि शाहरुख खान के कैमियो के इस फिल्म के ट्रेलर भी दिखाया जाएगा, जिससे ट्रेलर दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल साबित हो सके। वैसे फिल्म हिंदी के साथ साथ तमिल और इंग्लिश भाषा में रिलीज होने वाली है। जो कैमियो शाहरुख खान हिंदी भाषा में देंगे, वही सीन वाला कैमियो तमिल में सूर्या देने वाले है। वैसे इस खबर के बाद लोग इस फिल्म के रिलीज होने का भी इंतजार करने लगे हैं। हालांकि फिल्म जून के पहले हफ्ते में रिलीज होने वाली है, यानी फिल्म के रिलीज के में अभी 4 महीने अभी तक बाकी है। दोस्तों ये वीडियो हमें आपको कैसे लगे दोस्तों, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारा अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।